हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सलीम की गली। और दोस्तों, पहले जो गाड़ियां आती थी उनमें से कई गाड़ियों में कंपनी फिटेड बूट लाइट नहीं मिलती थी हम लोगों को, तो उसके चलते हमें कई बार प्रॉब्लम फेस करनी पड़ जाती है। जैसे रात को हम अपने बूट स्पेस में से कोई सामान रख रहे हैं या निकाल रहे हैं, तो उसके लिए हमें एक्सटर्नल टॉर्च का यूज करना पड़ता है। तो इसी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि बूट लाइट कैसे इंस्टॉल करें। तो इसके लिए मैं यूज करने वाला हूं 2 LED स्ट्रिप लाइट ब्लू कलर की, आप व्हाइट भी ले सकते हो, जिसे मैं एक इधर लगा दूंगा। और इसके लिए मैंने वायर पूरी लंबी करी हुई है दूसरी साइड लगाने के लिए। और इसको यहाँ लगाने के बाद इसका कनेक्शन करेंगे बैकलाइट से। तो जहाँ पर इस LED स्ट्रिप को चिपकाना है उस सरफेस को पहले अच्छे से साफ कर लेना है किसी एक कपड़े से। एक साइड तो साफ हो चुकी है, अब दूसरी साइड भी साफ कर लेते हैं थोड़ा सा। सरफेस को साफ करने के बाद जो LED लाइट होती है उसके पीछे 3M की टेप लगी होती है, तो उसकी मदद से यहाँ इसको इजीली ऐसे चिपका दूंगा मैं। और दोस्तों, LED लाइट को चिपकाने के बाद उसको ऐसे हल्का सा दबाना है ताकि वो अच्छे से चिपक जाए अपनी जगह पे। और अब इसकी वायर को इस कवर के नीचे से ले जाना है ताकि ये वायर हमारी ऊपर ना रहे, और ऊपर रहेगी तो देखने में भी अच्छी नहीं लगेगी, और अगर हम कोई सामान रखते हैं अपने बूट में तो उसमें भी दिक्कत आ सकती है, वायर इधर उधर हो सकता है। तो इसलिए इस वायर को इस कवर के नीचे से ले जाना है दूसरी साइड तक। और वायर पूरी अंडरग्राउंड आ चुकी है, अब मैं इसको दूसरी LED लाइट को भी इधर चिपका दूंगा। और दूसरी लाइट भी मैंने चिपका दी है यहाँ पर, ये देख सकते हो दोस्तों। और अब इस लाइट का कनेक्शन करने के लिए हमें वायर को अंडरग्राउंड ले जाना होगा टेल लाइट तक। और वायर को अंडरग्राउंड ले जाने के लिए मुझे इस बोल्ट को खोलना होगा। ये वाला बोल्ट तो खुल चुका है, और अब इसके बाद जो नीचे 2 बोल्ट होते हैं, एक ये वाला और एक इधर साइड पे, पहले इन दोनों बोल्ट को खोलेंगे, फिर उसके बाद अगला बताऊंगा आपको कौन सा खोलना है। नीचे के दोनों बोल्ट खोलने के बाद अब ये 2 स्क्रू और खोलने हैं। और अब सिंपली स्पीकर ट्रे को बाहर निकाल लेना है ऐसे, और उसके बाद इस कवर को हटाना है। इसको सिंपली एक स्क्रू ड्राइवर की मदद से इसको ऐसे अनलॉक कर देना है, जो इसके लॉक्स होते हैं ना, और फिर ये थोड़ा लूज हो जाएगा ऐसे। और जब ये कवर हमारा लूज हो जाएगा तो जो टेल लाइट होती है उसका कपलर यहाँ से दिखने लगेगा, ये रहा। और इस कपलर के जो छेद बना हुआ है उसमें हमें अपनी वायर डालनी है और टेल लाइट खोलनी है, तब जाके उसका कनेक्शन करना है। तो पहले मैं इसकी टेल लाइट खोल लेता हूँ। टेल लाइट खोलने के बाद ये जो हमारा LED लाइट का वायर है, मैं इसको यहाँ इस छेद से ले जाऊँगा जो हमारी टेल लाइट है उसके छेद तक, और इस वायर को थोड़ा अंदर तक डाल देता हूँ ताकि दूसरी साइड से खींचने में थोड़ी आसानी रहे। जो LED लाइट की वायर थी वो सारी मैंने अंदर डाल दी है, और अंदर डालने के बाद जो टेल लाइट का कपलर का जो छेद होता है मैंने उसमें से वो वायर डाल के और इधर बाहर की साइड निकाल ली है। और अब मैं इसको निकालने के बाद इधर इसमें इसका कनेक्शन करूंगा टेल लाइट में। तो पहले मैं इस वायर को कट कर लूंगा इतना जितना मुझे चाहिए होगी। और दोस्तों, वीडियो देखने में अगर थोड़ा सा भी मज़ा आ रहा है तो एक वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। और अब मैं आपको इसको जल्दी से कनेक्शन करके दिखा देता हूं। और दोस्तों, मैंने टेल लाइट की वायर में एक कट लगाया है दोनों वायर में, और इसमें बस आपको एक बार चेक कर लेना है प्लस माइनस ऐसे ही टच करके, उससे आपको पता चल जाएगा कि हाँ हमारी लाइट जल रही है या नहीं जल रही है। अगर वायर ठीक लगा होगा तो आपकी वायर जलेगी, अगर आपका प्लस माइनस ठीक नहीं होगा तो वो वर्क नहीं करेगी। तो एक बार ऐसे ही लगा के चेक कर लेना है और फिर उसके बाद आपको वायर जोड़ देनी है। और अब मैं इस टेल लाइट को बंद कर देता हूँ जल्दी से, और फिर उसके बाद इसकी टेस्टिंग करके दिखाऊंगा आपको। और अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं कार से रिलेटेड वीडियो हर हफ्ते डालता रहता हूँ अपने चैनल पे। टेल लाइट बंद हो चुकी है दोस्तों, और अब मैं इस कवर को बंद कर देता हूँ। इस कवर को बंद करने के लिए इसको ऐसा हल्के से यहाँ पे धक्का मारना है और ये बंद हो जाएगा। और अब इस स्पीकर ट्रे को भी वापस से लगा देता हूँ। नीचे वाले जो बोल्ट थे वो तो मैंने टाइट कर दिए हैं, और ये जो 2 स्क्रू बचे हुए थे अब इनको टाइट कर देता हूँ। और सब कुछ फिट करने के बाद अब टेस्ट कर लेते हैं लाइट हमारी जल रही है या नहीं जल रही है। तो उसके लिए पहले मैं आगे से ऑन करके दिखा देता हूँ आपको लाइट को। और दोस्तों, लाइट प्रॉपरली वर्क करने लगी है। अभी तो दिन का टाइम है तो थोड़ा ऐसे दिख रही है लाइटें दोनों। और दोस्तों, थोड़ा सा करते हैं वेट रात होने का, फिर देखते हैं एक्चुअल में इन लाइटों से कोई फ़ायदा होता है या नहीं। और दोस्तों, रात में कुछ ऐसा लग रहा है हमारा बूट, और अभी कैमरे में उतना क्लियर नहीं आ पा रहा है जितना मैं रियल में देख पा रहा हूँ। पीछे से पूरा ऐसे दिखाई देता है,
और अंदर से काफ़ी ग्लो आ रहा है। अगर इनकी जगह आप वाइट एलईडी यूज़ करोगे तो और भी ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आएगा। फिलहाल ब्लू एलईडी लाइट से भी मुझे काफ़ी रोशनी मिल चुकी है बूट में, और अब मैं रात को बिल्कुल अंधेरे में अपने बूट स्पेस में कुछ भी रख सकता हूँ, लगेज वगैरह, बिना किसी टॉर्च की मदद के। तो दोस्तों, आप भी अपनी गाड़ी में ऐसे ही बूट लाइट इंस्टॉल कर सकते हैं। आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही, अगली वीडियो आने तक के लिए बाय दोस्तों।